समाचार की, लखनऊ से दिल्ली जा रही फ्लाइट डायवर्ट की गई है, यानी लखनऊ से दिल्ली जा रही थी लेकिन डायवर्ट की गई है, वजह क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। ये दिल्ली से फिलहाल बड़ी खबर ये है, लखनऊ से दिल्ली जा रही फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है, यानी सीधे उड़ान भरनी थी दिल्ली के लिए लेकिन उसे किसी दूसरे रास्ते भेजा गया। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, इस वजह से लखनऊ से दिल्ली जा रही फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है, जबकि सीधी उड़ान है, यहां से एक घंटे का रास्ता है, दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट डायवर्ट की गई है। अभी कोहरे की भी प्रॉब्लम है नहीं, ओ दिल्ली एयरपोर्ट पर वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से इसे डायवर्ट किया गया। ध्यान ये दीजिएगा, वीवीआईपी मूवमेंट के चलते फ्लाइटें डायवर्ट हुई हैं, 10 से ज्यादा फ्लाइटें डायवर्ट की गई हैं। और अब देखिए, अब तक ये समस्या ट्रेन में थी लेकिन अब फ्लाइट में भी आने लगी है। जयपुर और चंडीगढ़ की ओर डायवर्जन किया गया है इन लोगों का, यानी जो इनकी सीधी फ्लाइट थी लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए, वो अब लखनऊ से दिल्ली के बजाय नीरज पांडे, दिल्ली के ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जो फ्लाइट को सीधे लखनऊ से दिल्ली जाना था उन्हें चंडीगढ़ भेजा जा रहा है, उन्हें जयपुर भेजा जा रहा है वीवीआईपी मूवमेंट के लिए, मैं जानना चाहूंगा विस्तार से। राहुल, एक सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का आयोजन किया गया जिसमें कई देश के राष्ट्राध्यक्ष और कई देश के बड़े चेहरे दिल्ली में मौजूद हैं, जिनके आज लौटने का प्रोग्राम है और कई लोगों के आने का भी प्रोग्राम है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, इनका लगातार चुनावी दौरे भी चल रहे हैं, आज भी गुजरात जाने की संकेत है, गुजरात के लिए रवाना होंगे। तो लगातार ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खासकर टर्मिनल टू पे और टर्मिनल थ्री में और टर्मिनल वन में। इसकी वजह से ही कुछ जो डोमेस्टिक फ्लाइट हैं जिनको लैंड करने के लिए रूट क्लियर नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से आसपास के जो मेट्रो, आसपास के जो एयरपोर्ट हैं, खासकर जयपुर और चंडीगढ़, क्योंकि सबसे नियर बाई यही दोनों एयरपोर्ट पड़ते हैं, तो लखनऊ की फ्लाइटों को ज्यादातर वहां